दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एंड ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यू विल बी मोर देन एक्साइटेड टू नो दैट वी आर बैक विथ अमेजिंग एयरसॉफ्ट, यू नो, स्प्रिंग पावर्ड एयरसॉफ्ट राइफल्स। और आज मैं बताने वाला हूँ इसके प्राइजेस वगैरह क्या हैं, इसके डिटेल्स वगैरह क्या हैं एंड हाउ टू बाय दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब जो है प्लास्टिक की बनी हुई है। अगर आप पबजी वगैरह खेलते हो तो इन सब गन्स को जानते होगे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को देखा होगा या अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, आपको पता होगा कि जब पबजी का इंडिया में प्रमोशन हो रहा था, बी वर द वन, जो कैरी मनाती, आशीष अंचलानी, इन सबको हमने राइफल्स दिए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिए, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखा होगा। लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सब गन्स जो है बहुत दिनों से आउट ऑफ स्टॉक था, अब Battleground, यू नो, मोबाइल इंडिया जो है वापस आ गया है, तो हमने सोचा कुछ बहुत ही शानदार एयरसॉफ्ट राइफल्स को वापस लेके आया जाए। बट इससे पहले, इसके फीचर्स बताने से पहले, मैं आपको इसके ड्रॉबैक्स बता देता हूँ। ये सब बहुत ही हाई क्वालिटी गन्स नहीं है दोस्तों, ये बेसिक हैं, यू नो। और टू बी वेरी फ्रैंक, जो आप वेबसाइट पर इसके कॉस्ट देख रहे होंगे, उसके अंदर ज़्यादा जो प्राइस है, ज़्यादा जो अमाउंट है, वो हमें इसके शिपिंग में ही खर्च हो जाता है। तो हम लोग फ्री शिपिंग लिखते हैं, बट ऑब्वियसली बात है, हम लोग अपनी जेब से कुछ देते नहीं है। तो इसकी जो शिपिंग है उसके अंदर इंक्लूड होता है, आपको पता है, जो बड़ी गन्स होती हैं उसका वॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि इसमें वजन तो है नहीं, तो बट जो वॉल्यूमेट्रिक होता है साइज के हिसाब से, उसके शिपिंग में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, पैकेजिंग में बहुत खर्चा पड़ जाता है। सो मेन कॉस्ट तो इसका ही है। अब ये प्लास्टिक की गन्स है, अगर आप शूटिंग करने के पर्पज से, मतलब चलाने के पर्पज से खरीद रहे हो, तो आई वोंट रिकमेंड यू, बिकॉज आई डोंट नो कि ये 100 फायर भी कर पाएगा या नहीं, उसके पहले ये टूट जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी इसके मैकेनिज्म नहीं होता है, जो अंदर के इसके स्प्रिंग्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, जो उसका मैकेनिज्म, तो कई बार ये टूट जाता है। तो लोग इसे खरीदते क्यों हैं? अब हम इसे बेच रहे हैं, लोग परचेस कर रहे हैं, आप देख रहे हो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो लोग इसे खरीदते क्यों हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है फिल्म में लोगों को, यू नो, देते हैं ऐसे, जो फिल्म की शूटिंग वगैरह में आप देखते हो, बैकग्राउंड में जो, यू नो, एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, उनके हाथ में ये होता है, तो ये फिल्म के शूटिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। देन देर आर पीपल हु आर कलेक्टर, तो ये अपने घर पर दीवार पर सजा के रखते हैं, इट इज़ गुड फॉर, यू नो, शोकेसिंग, डिस्प्ले, उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। देन पंजाबी मूवी जो गाने वगैरह में हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इसे परचेज करें, तो एक बात का ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट इट कि ये बहुत हाई क्वालिटी का होगा, बी आर, यू नो, वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, तो ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं है, दिस इज़ नॉट वेरी हाई क्वालिटी। हाँ, कई लोग इसे अपने बच्चों को देने के लिए खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक के छर्रे इसके अंदर डलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है, तो ये प्लास्टिक के छर्रे होते हैं, इससे ज़्यादा चोट भी नहीं लगता है, एंड दिस इज, और इसको लोड करना थोड़ा इजी रहता है, जो लोहे वाली एयर गन्स हैं उसको लोड करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये बहुत इजी है, आप इसको इजीली लोड कर सकते हो। ओके, यू कैन सी कि मैं इसे एक फिंगर से भी लोड कर सकता हूँ। ये सरप्राइजिंगली अच्छा होता है, इसके छर्रे 10 मीटर तक जा सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेट नहीं होते हैं, और क्या बताऊँ, आप देखोगे सेम मॉडल हमारे पास अलग अलग तरीके के हैं, ये मॉडल दोनों, यू नो, सेम ही हैं, बट वेबसाइट पर अगर लिस्टेड है, क्यों? क्योंकि एक में हम थर्मोकॉल पैकेजिंग के साथ बेचते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये थोड़ा सा महंगा है, 100 रुपये महंगा है, और इसके अंदर थर्मोकॉल पैकेजिंग नहीं है, एंड ये इसका छोटू वर्जन है, इसके अंदर स्टॉक लगा हुआ है, इसके अंदर स्टॉक लगा नहीं है, तो पीछे का जो है दिस आर पंप एक्शन। ये तीनों मॉडल ऑलमोस्ट सेम हैं, तो इसके अंदर फीचर्स क्या हैं? दिस इज अ नॉर्मल असॉल्ट राइफल। अब ये इसके ऊपर लिखा तो AK-47 है अगर आप देखोगे तो, बट दिस डज नॉट लुक लाइक AK-47। एक और चीज दिखाऊंगा आपको, इफ आई कैन, यू नो, फाइंड इट, यहाँ पे किसी में मेड इन इंडिया लिखा हुआ है और मेड इन चाइना दोनों लिखा हुआ है, तो दैट इज फनी पार्ट। तो एक आपको ऐसा मिल सकता है, एक हमारे पास वर्जन है जिसके अंदर आपको एक फेक नाइफ मिलता है, दूसरा वर्जन है, ये थोड़ा सा काफी अच्छा वर्जन है क्योंकि इसके अंदर आपको सप्रेसर टाइप का मिलता है, ऐसे डिसमेंटल हो जाता है, तो ये काफी अच्छा लुक देता है। तो ये हमारे पास अलग अलग वर्जन है, आई होप, और इनका वजन अराउंड 350 से 400 ग्राम के करीब है, ये 300 ग्राम के करीब है, 350 ग्राम, ये जो है अराउंड 450 ग्राम के करीब है, और ये प्लास्टिक मेड है, और
मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के प्लास्टिक से नहीं बना हुआ है, मैं आपको पहले ही बता दूं। कई बार हो सकता है कि आपको कुछ इसके अंदर जब मिले तो टूटा भी मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो है कुछ चीजें नो, वैसे तो ये ठीक ही है, और कई बार इसके अंदर कुछ पार्ट्स में से आवाज, क्योंकि कल जब मैं चेकिंग कर रहा था, देख लो आप इसके अंदर, आई डोंट नो आप उसकी आवाज सुन पा रहे होंगे, हल्का हल्का आवाज जो है आता है। दैट इज इट गाइज। अगर आप शूटिंग पर्पज के लिए लेना चाहते हो, मतलब खेलने के लिए, निशाना लगाने के लिए, आई वॉन्ट रिकमेंड यू बाइंग दिस, आप इसे मत खरीदिए। इफ यू आर समवन जो कि यू नो शूटिंग करना चाहते हैं, वो आप दूसरी गन्स हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। अब इसे खरीदे कैसे, वेरी सिंपल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर कर दीजिए। वी एक्सेप्ट पेमेंट बाय ऑल मेथड्स, हम लोग पेटीएम भी ले लेते हैं, गूगल पे भी ले लेते हैं, एंड बैंक ट्रांसफर एंड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो है ही है। बट बिफोर बाइंग इट मेक श्योर दैट यू नो दैट दिस आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी। हम इसको सिर्फ इसलिए ही बेचते हैं बिकॉज देयर इज एन रिक्वायरमेंट, लोग हमसे बहुत ज्यादा इसकी डिमांड करते हैं, सो वी आर कीपिंग इट। वैसे वी वॉन्ट रिकमेंड यू बाइंग दिस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस हैव फन।